हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम टू टुडे स्नैक्स। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ मीठी सेवई बनाने की रेसिपी। क्योंकि कभी भी आपको मीठा खाने का मन होना तो ये सिर्फ़ और सिर्फ 5 से 10 मिनट में बन के तैयार हो जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए आज हम बनाएंगे मीठी सेवई और बहुत ही ईजी वे में बनाएंगे। कुछ भी ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत हमको यहाँ नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं हम कैसे बनाएंगे ये सेवई। इसे वर्मीसिली भी कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले रख देंगे एक पैन, इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून यानी कि 2 बड़े चम्मच जितना घी। अब घी को ना अच्छी तरह से गर्म होने देंगे और मेल्ट होने देंगे। हमारा घी गर्म हो गया तो यहाँ पे डाल देंगे 2 इलायची। अब इलायची को ना हल्का सा फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो इसी पॉइंट पे अपने ड्राई फ्रूट्स डाल दें और इसे रोस्ट करके निकाल दें, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे ले लेंगे रोस्टेड वर्मीसिली यानी कि रोस्ट की हुई सेवई। अगर आपके पास रोस्ट की हुई सेवई ना हो तो आप क्या करें, पहले उसे रोस्ट कर लें यानी कि बिना तेल घी किसी के भी बिना उसे सेक लें और फिर उसे बाद में यूज़ करें यहाँ बनाने में। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी रोस्टेड वर्मीसिली थी तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली रोस्टेड डाली है। अब क्या करेंगे, इसे घी में अच्छी तरह से भुनेंगे तो लगभग 2 से 3 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर। ध्यान रखें गैस का फ्लेम लो रखना है। तो लो फ्लेम पे हम इसे भुनेंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। और ध्यान रखें आपको इसे कंटिन्यूस लगातार मिलाते रहना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और इसका घी भी पूरा रिलीज़ हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे डाल देंगे पानी। तो हमने यहाँ पे ले लिया है 1/2 कप पानी। तो थोड़ा सा पानी मैं अभी डाल रही हूँ और देखूँगी अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो ही आगे डालूँगी, नहीं तो नहीं डालूंगी। ध्यान रखिए गाइस, पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि अगर पानी की क्वांटिटी आपने ज़्यादा रख दी ना तो हमारी जो सेवई है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएगी और हमको सेवई को स्टिकी नहीं करना है। इसलिए हमने यहाँ पे पानी 1/2 कप ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। चलिए अच्छी तरह से फिर से मिक्स करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे चीनी। तो हमने यहाँ पे ले ली है 4 टेबल स्पून चीनी। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद हो तो आप यहाँ पे थोड़ी और चीनी डाल दें। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने यहाँ पे पानी इसलिए भी कम डाला है क्योंकि अभी शुगर भी जब मेल्ट होगी ना तो वो भी थोड़ा पानी रिलीज़ करती है, तो इसलिए पानी कम डालेंगे तो ही हमारी सेवई अच्छी बनेगी। चलिए अच्छी तरह से मिक्स करके अब इसे फैला करके यानी कि चारों तरफ से इस तरह से फैला देंगे और अब इसे ढक के रख देंगे 2 मिनट के लिए ताकि इसका जो पानी है ना वो अब्सॉर्ब हो जाए अच्छी तरह से। तो चलिए 2 मिनट बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे डाल देंगे हम ड्राई फ्रूट्स। ध्यान रखें ड्राई फ्रूट्स आप कोई भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ बादाम यूज़ किए हैं। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे किशमिश, काजू, कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब इसे इस तरह से चलाते हुए 1 मिनट और पका लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, आप सिर्फ 1 मिनट ही पकाएंगे। तो देख सकते हैं अब हमारी जो वर्मीसिली है वो खिलने भी लगी है। और ये देखिए हमारी जो सेवई है ना वो बनके एकदम ऑलमोस्ट तैयार है। मैं आपको इसे उठा के दिखा देती हूँ। ये देखिए अब क्या करेंगे, अब हम कर देंगे इसकी प्लेटिंग। और ये लीजिए हमारी मीठी सेवई बनके एकदम तैयार है। तो गाइज़ ये रेसिपी एक बार आप घर पे ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। कभी भी आपको मीठा खाने का मन होना तो सिर्फ 5-10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।